दोस्तों सब टीवी के कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाकर फेमस हुई मुनमुन दत्ता आज घर घर में अपनी पहचान बना चुकी है। उनका जन्म 28 सितंबर 1987 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ था। एक समय पर वह एक्टर अरमान कोहली को डेट कर रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुनमुन मुंबई आ गई। साल 2004 में उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत जी टीवी के सीरियल हम सब बाराती से की थी। इसके बाद वो साल 2006 में कमल हासन की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में नजर आई थी। मुनमुन डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद साल 2008 में उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर का किरदार मिला। इसने मुनमुन की जिंदगी बदल दी। पिछले 11 सालों से मुनमुन इसी किरदार को बखूबी निभाती आ रही हैं। आज उनकी पहचान किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। साल 2008 में ही मुनमुन का अफेयर अरमान कोहली के साथ शुरू हुआ और कुछ ही दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। उनके ब्रेकअप का कारण अरमान कोहली का गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव बताया गया। आपको बता दें कि वैलेंटाइंस डे के दिन अरमान ने मुनमुन के साथ मारपीट की थी। मुनमुन ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। इसके बाद अरमान को अपने गलत बर्ताव के लिए फाइन भी भरना पड़ा था। इस केस में टीवी एक्ट्रेस डोली बिंद्रा ने गवाही दी थी। डोली के अनुसार अरमान हमेशा मुनमुन के साथ गलत व्यवहार करते थे। तो दोस्तों, क्या अरमान कोहली को मुनमुन के साथ ऐसा करना चाहिए था? प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।